नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिले भर में कई कार्यक्रम का हुआ आयोजन। एसएसपी आशीष भारती ने बहादुर महिलाओं को किया सम्मानित। दोहरे हत्याकांड मामले में पुलिस की छापेमारी जारी। किशनगंज से बरामद हुआ अधिवक्ता का कार। एसएसपी ने कहा जल्द पकड़े जाएंगे अपराधी। होली को लेकर बाजारों में बढ़ी रौनक। रंग अबीर और पिचकारी की जमकर हुई खरीददारी। इंद्रधनुषीय श्याम महोत्सव का हुआ भव्य शुभारंभ। राजस्थान से आए आचार्य ने कहा राजस्थान की तर्ज पर हुआ भागलपुर में आयोजन। और भागलपुर के सजौर में बिजली विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। चौकीदार सहित आधा दर्जन लोग हुए घायल। अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिले भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। महिला दिवस के मौके पर भागलपुर पुलिस की ओर से सबसे पहले महिला सुरक्षा के लिए रैली निकाली गई। रैली का नेतृत्व खुद वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने किया। इस दौरान एसएसपी समेत कई वरीय पुलिस अधिकारी, महिला कर्मी और स्कूल की छात्राओं ने शहर का भ्रमण किया और नारी सशक्तिकरण के नारे लगाए। इसके बाद पुलिस लाइन में महिला सिपाहियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित की गई। वहीं सैंडिस कंपाउंड के ओपन थिएटर में पुलिस कप्तान आशीष भारती ने समाज में बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। एसएसपी ने महिला पुलिस अधिकारी, शेरनी दल में शामिल सिपाही, स्कॉट एंड गाइड की छात्रा, शराब के खिलाफ अभियान में सहयोग करने वाली महिलाएं, साहसी शिक्षक समेत दो दर्जन से अधिक महिलाओं को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम के दौरान एक महिला सिपाही ने कविता पाठ के जरिए महिला सशक्तिकरण की आवाज़ बुलंद की। वहीं चैन स्नेचर को जेल की हवा खिलाने वाली शिक्षिका सरिता कुमारी ने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकार के प्रति सजग रहने की जरूरत है। इधर एसएसपी आशीष भारती ने बहादुर और साहसी महिलाओं की जमकर प्रशंसा की और बेहतर कार्य करने की बात कही। मौके पर नीलम देवी, अनिमा कुमारी, विधि व्यवस्था डीएसपी निसार अहमद, ट्रैफिक डीएसपी आरके झा, हेडक्वार्टर डीएसपी सुनील कुमार, सर्जेंट राम इकबाल यादव, तेतारपुर थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार समेत कई पुलिस अधिकारी, पुलिस पाठशाला से जुड़े शिक्षक और महिला पुलिसकर्मी समेत कई जागरूक महिलाएं मौजूद रही। तू नारी नहीं बल्कि धारी है, तू सिर्फ अपने घर की नहीं समाज की जिम्मेदारी है। न जाने ऐसे कितने मौके आएंगे तेरे घर में, उत्सव मनाए जाएंगे। तेरा मन होगा जाने को तैयार, लेकिन तुझे अपने फर्ज निभाने होंगे। दशहरे दिवाली में जब तुझे घर से बुलावा आएगा, मगर तेरे घर के बुलावे से पहले छुट्टी बंद होने का खबरनामा आएगा। पहले के जीवन को भूल, तुझे इस बर्दीधारी के जीवन में ढलना होगा, क्योंकि तू अपने पापा की नहीं समाज की बेटी कहलाएगी। गाड़ी की कोई आवाज़ नहीं थी और झटके से मेरे को खींचा तो मेरे बाल बिखर गए, बैटरी खुल गया। समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। जब मैंने देखा कि एक लड़का जा रहा है ऐसे चेन झुलाते हुए और उसका दौड़ते जा रहा, तब लगा वो तो मेरा चेन खींच लिया। आगे जो बाइक सवार था, ड्राइवर जो था, पीछे बैठा हुआ खींचा और थोड़ा मेरा हाइट होने के कारण वो जो उछका तो पहले डगबगाया और ड्राइवर का मैंने पीछे से कॉलर में हाथ डाला, उसको खींचा तो बाइक धरी थी आँख में। आज भागलपुर पुलिस के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पुलिस के इसमें जैसे मुख्यतः दो उद्देश्य हैं। एक तो कि जो महिलाएं हैं उनमें यह विश्वास जगे कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगी, पुलिस उनके लिए सदैव कार्य कर रही है। साथ में वैसे लोग जो आम जनता में से या जो पुलिस विभाग में से वैसी महिलाएं जो अच्छा कार्य कर रही हैं उनको सम्मानित करने का कार्य किया जा रहा है, ताकि सभी लोगों में मैसेज जाए कि उससे प्रेरणा लें वो लोग और साहस दिखाने में उनको लगे कि हाँ इसके कारण समाज में इसका रिवार्ड किया जाता है और भी अन्य लोग भी उससे उत्साहित होकर के अच्छा कार्य कर सके। भागलपुर के वरिष्ठ क्रिमिनल लॉयर कामेश्वर पांडे एवं उनकी नौकरानी रेणु देवी हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अपराधी गोपाल भारती और उसका सहयोगी मृतक अधिवक्ता की कार को लेकर फरार हो गया था, जिसके बाद भागलपुर पुलिस ने कार को ट्रैक कर किशनगंज में अपराधी गोपाल भारती के ससुराल से बरामद किया है। एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि तीनों हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीम का गठन किया गया है जो विभिन्न जिलों में छापेमारी कर रही है। वहीं एसएसपी ने कहा कि पकड़े गए अपराधी रवीश कुमार की निशानदेही पर छापेमारी कर एक हथियार और गोली बरामद किया गया है।
आशंका व्यक्त की जा रही है कि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद तीनों अपराधी नेपाल भाग गए हैं, जिसको पकड़ना पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। हम आपको बता दें कि 5 मार्च की रात्रि अधिवक्ता कामेश्वर पांडे के घर में रहने वाले किराएदार गोपाल भारती ने दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। हम लोगों ने इसका जब से ये मामला आया था तो उसमें हम लोग काफ़ी देर से लगे हुए थे। ये जानकारी मिली थी कि उसकी गाड़ी को जो अभियुक्त है वो लेकर के भाग गया है, तो हम लोग उसको ट्रैक कर रहे थे। तो अभी जानकारी जो अभी हम लोगों ने उसको किशनगंज में से रिकवर किया है और उसको रिकवर करके भागलपुर हम लोग ले आए हैं। तो आगे की अनुसंधान किया जा रहा है। अभी तक के अनुसंधान में जो 3 लोग अभी तक फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। साथ में जो एक अभियुक्त पकड़ाया था उसके निशानदेही पे एक हथियार और गोली भी बरामद किया गया है उसके घर से, तो आगे का भी अनुसंधान किया जा रहा है। रंगोत्सव होली को लेकर भागलपुर के बाजारों में रंग, गुलाल, पिचकारी एवं तरह तरह की नकाब मुखौटे की बिक्री जोरों पर है। छोटे बच्चों के साथ अभिभावक भी बच्चों की पसंद की पिचकारी खरीदते दिख रहे हैं, जबकि हर्बल रंग और गुलाल की खरीदारी पर लोग अधिक जोर दे रहे हैं। सुरक्षित होली के लिए लोग बच्चों को केमिकल वाले रंगों से दूर रखने की बात करते हैं, जिससे किसी भी तरह का व्यवधान होली के त्यौहार में नहीं पड़े। भागलपुर के सूजागंज, लोहापट्टी, तिलकामांझी, भीकनपुर एवं दक्षिणी क्षेत्र में सजे रंगों एवं पिचकारी की दुकानों पर भी लोगों की भीड़ देखी जा रही है। हालांकि समय के साथ अब होली मनाने के तरीके में भी काफ़ी बदलाव हुआ है और अब स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखकर लोग होली मना रहे हैं। इंद्रधनुषीय श्री श्याम निशान शोभा यात्रा श्याम महोत्सव का आयोजन विगत 15 वर्षों से केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ एवं RPF GRP के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है, जिसमें सहयोगी संस्था माँ शाकंबरी परिवार, श्री चावो वीरो दादी सेवा समिति, बिंदल कुलदेवी सेवा समिति, प्राचीन खाटू श्याम मंदिर, जय माता दी सेवा समिति एवं राष्ट्रीय महिला जागरण समिति के बैनर तले श्याम महोत्सव का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान राजस्थान के बग्गड़धाम से आए आचार्य पंडित राजन जी महाराज के सानिध्य में पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर, अनुराधा खेतान, PD रुंगटा, बालमुकुंद बागड़िया, संजय सलामपुरिया, पवन सर्राफ, सुजीत सिंह एवं सभी सहयोगी संस्था द्वारा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। वहीं पंडित आचार्य रामभजन जी महाराज ने कहा कि बिहार के भागलपुर में राजस्थान के बाद सबसे बड़े स्तर पर श्याम महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें नवगछिया, सुल्तानगंज, नाथनगर, गोड्डा से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु हाथों में निशान लेकर पदयात्रा करते भागलपुर पहुंचे, जहां मनरोजा स्थित श्याम मंदिर एवं प्राचीन खाटू श्याम मंदिर में निशान अर्पित किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं के लिए देवी बाबू धर्मशाला में संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु खेतान के नेतृत्व में महाप्रसाद एवं जागरण का आयोजन हुआ। वहीं डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि भागलपुर की संस्था केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ देश के विभिन्न राज्यों में यात्रियों को नशाखुरानी और जहरखुरानी को लेकर जागरूक कर रही है, जो काफ़ी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि संस्था द्वारा आम लोगों की सुरक्षा को लेकर निःशुल्क हेलमेट वितरण का भी कार्य किया जा रहा है। भागलपुर सजौर थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव में बिजली के तार हटाने को लेकर दो गुटों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद ने लड़ाई का रूप ले लिया और दोनों पक्ष की ओर से जमकर लाठी चली, जिसमें दोनों पक्ष के कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। मौके पर सजौर थाना पुलिस दलबल के साथ पहुंची और दोनों पक्ष के लोगों को समझा बुझा कर शांत कराया। वहीं पुलिस ने घायल लोगों को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेज दिया। पुलिस को देखते ही महेश पासवान, किशोर पासवान एवं कैलाश पासवान मौके से फरार हो गया। सजौर थाना पुलिस ने लाठी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। बताया जा रहा है कि महेश पासवान बालू माफिया का काम करता है और हमेशा प्रशासनिक एवं सरकारी कार्य में बाधा डालता है। भागलपुर सदर अस्पताल परिसर में रविवार को कैंसर जांच एवं जागरूकता को लेकर स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह, CTSP सुशांत कुमार सरोज, डॉक्टर प्रतिभा सिंह समेत कई चिकित्सकों ने लोगों को कैंसर से बचाव एवं इलाज के लिए जागरूक किया और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने पर अविलंब विशेषज्ञ से परामर्श लेने की बात कही। वहीं सिविल सर्जन ने कहा कि वर्तमान में चीन से फैले कोरोना वायरस की चपेट में आने से काफ़ी संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है और इसको देखते हुए हम सबों को जागरूक होकर कोरोना से संबंधित लक्षण पाए जाने पर चिकित्सकों से संपर्क करना चाहिए। कार्यक्रम को CTSP ने भी संबोधित किया। वहीं अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा आयोजित जांच शिविर में चिकित्सकों ने गर्भाशय कैंसर समेत कई तरह के रोग से बचाव के लिए जागरूक किया। मौके पर जावेद मंसूरी, डॉक्टर अंजू तुरियार, डॉक्टर अनुपमा सहाय, डॉक्टर अल्पना मिश्रा, डॉक्टर आभा सिन्हा, डॉक्टर रोमा यादव समेत कई महिला चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी एवं महिला पुलिसकर्मी मौजूद थी। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
हमरा शुभकामना है होली के अवसर पर अंगवासियों के और पूरा देशवासियों के कि ये अवसर पर हमरा सनी अभी के मिली जुली के आवो होली का दहन करो अपनों भीतर में जे आसुरी व्यक्ति छे जे राक्षस वाला वृत्ति छे ओकरा जलावो प्यार की बात करो प्यार से मिलो एक दूसरा की गला मिलो वह खा एक दूसरा का अबीर लगावो और सब कुछ भूली के होली के रंग में रंगी जा और होली के एक महान पर्व छे और एक मस्ती में सब डूबी जा होली के ढेर सारी शुभकामनाएं। होली रंगीन त्योहार है, यहाँ दिल रंगीन होते हैं, शरीर रंगीन होता है और आप पर एक खुमार सा छाता है, लेकिन इस खुमार के बहकावे में ना आएंगे, अभद्रता नहीं करेंगे, शालीनता से रंग खेलिए, सूखे अबीरों से ज़्यादा खेलने की कोशिश करिए, पानी का अकाल है, ज़्यादा पानी मत भिंगाइए, लेकिन साल में एक दिन थोड़ा बहुत तो पानी खर्च चलता है बंधु। दूसरों में सौहार्दपूर्ण वातावरण है, मैं कहूँगा कि आप लोग होली मनाइए, जो रंग न लेना चाहे उनको प्रेम से आप तिलक लगा सकते हैं, वो भी ना करना चाहे तो आप नमस्कार कर लीजिए और उनको होली की शुभकामनाएं दे दीजिए। होली के शुभ अवसर पर हम अपने सारे मित्र और अपने डॉक्टरजन और अपने जितने भी समुदाय के लोग हैं तो उन सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ये सामाजिक सद्भाव का एक बड़ा ही अच्छा मौका है जिसमें हम एक दूसरे के करीब हो जाते हैं और हो नहीं जाते हैं बल्कि इसमें सारी जितनी भी जो दूरियां हैं वो सब दूरियां किनारे होकर हम सब एक दूसरे के होली हंसी खुशी और रंगों का त्यौहार है। जिस तरह से सब लोग परंपरागत ढंग से सब लोग मनाते हैं वो उसी तरह से मनाना है। इस बार कोरोना का प्रकोप है तो ज़्यादा सारे होली कम मनावें, रंग गुलाल दूर से ही फेंकें और हंसी बजाओ का भगवान का ही आनंद लें। शिमरान मेडिकल डेंटल क्लिनिक की ओर से मैं डॉक्टर अभिषेक सिन्हा नगर के सभी वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस होली के अवसर पे अपने अंदर की जो बुराइयां हैं, लोभ लालच ईर्ष्या, इस सब का होलिका दहन में इसको दहन किया जाए और सामाजिक सौहार्द हमारे बीच बना रहे, प्रेम भाव बना रहे। आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और होली के दिन मस्त रहिए। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं नगर के सारे लोगों को है। मैं डॉक्टर सनातन कुमार पूरे बिहार वासियों को इस होली के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और सभी से आग्रह करता हूं कि सौहार्दपूर्ण तरीके से होली को मनाएं और कोरोना वायरस से अपने आप को बचा के रखें। मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह अध्यक्ष जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से होली की शुभकामनाएँ, लेकिन इस बार का होली आप सावधानी से बरतें क्योंकि कोरोना वायरस का अटैक हो चुका है और यदि आप इसको बहुत गले मिलकर आप करेंगे तो यह दूसरे को फैल सकता है और किसके पास कोरोना वायरस का कीटाणु है कोई नहीं जानता है, इसीलिए दूर से पिचकारी वाला होली खेल सकते हैं लेकिन गले मिलना इसमें अवॉइड करिए। एक बार पुनः सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं होली के शुभ अवसर पर अपने देशवासियों को खास करके अंगजन प्रदेश के सभी नागरिकों को हार्दिक हार्दिक दिल से बधाई देना चाहता हूं तथा उनसे आशा करता हूं कि इस होली के महान पर्व को आपसी भाईचारे के रूप में मनावें तथा इसे उस प्रकार से देखें जिससे कि हमारे आने वाले भविष्य के सभी आदमी आपके ऊपर किए गए कार्यों के ऊपर गौरव महसूस करें। मैं ललन कुमार कंसेप्ट ऑफिस की ओर से अपने समाज के तथा देशवासियों के और अपने छात्र छात्राओं को होली का हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही मैं संदेश देना चाहता हूं कि होली जैसे त्यौहार में हम सभी भाई बंधु को मिलजुल कर होली का त्यौहार मनाना चाहिए और रंग गुलाल इस प्रकार से उड़ाया जाए कि इससे किसी को कोई क्षति ना पहुंचे। मैं सभी देशवासियों को और खास करके बिहार वासियों को होली की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहता हूं और होली का त्यौहार जो है वो प्यार मोहब्बत और खुलूस के साथ मनाया जाए और रंगों का त्यौहार है और सबके जीवन में रंग और उल्लास से भर जाए, यही चाहता हूं। भागलपुर शहर के वासियों एवं व्यवसायियों को होली की बहुत बहुत शुभकामना। उम्मीद है कि आपके जीवन में होली के सातों रंग का निखार आए एवं आप सुखी एवं समृद्ध हों। डब्लू टूडू मोक्षापति सांगा पंचायत के तरफ से अपने प्रखंड वासियों को
होली महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं वेंकटेश प्रखंड परियोजना प्रबंधक बौंसी की तरफ से पूरे प्रखंड की सभी दीदियों एवं प्रखंड के सभी निवासियों को होली की अत्यंत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। साथ ही यह अपील करना चाहता हूँ कि स्वच्छ भारत बनाने में हर नागरिक अपने घर में शौचालय का निर्माण करवाए तथा शौचालय का पूर्ण उपयोग करे। जहाँ सोच वहीं शौचालय। रंगों का त्यौहार होली के शुभ अवसर पर तमाम क्षेत्रवासियों एवं जदयू परिवार को मीडिया सेल संयोजक प्रदीप कुमार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। होली की शुभकामना देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे व्यवसायी अब चीन के साथ व्यापार न करें। चीन के साथ व्यापार करने से हमारे देश को भी नुकसान हो रहा है और हमारी जनता को भी नुकसान हो रहा है। मैं परीक्षित पासवान थाना अध्यक्ष बाराहाट की ओर से समस्त देशवासियों को रंगों का त्यौहार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं निर्मल कुमार यादव पैक्स अध्यक्ष अंगारू जबरा पंचायत की ओर से समस्त ग्रामवासियों को रंगों का त्यौहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं संजय यादव पैक्स अध्यक्ष गोकुला पंचायत की ओर से समस्त बांकावासियों को रंगों का त्यौहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं संतोष कुमार शाह उपमुखिया ग्राम पंचायत बोडा पाठकडीहा की ओर से सन्हौला प्रखंड एवं पंचायत वासियों को रंगों का त्यौहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं जितेंद्र कुमार प्रधानाध्यापक राष्ट्रीय मध्य विद्यालय सनोखर हाट की ओर से सभी क्षेत्रवासियों एवं शिक्षक परिवार को रंगों का त्यौहार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं डॉक्टर मोहबुल्ला प्रखंड भाजपा अल्पसंख्यक अध्यक्ष सन्हौला की ओर से समस्त देशवासियों को रंगों का त्यौहार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं संतोष कुमार भगत उपमुखिया ग्राम पंचायत सिरहन खजुरिया सन्हौला की ओर से समस्त भागलपुर वासियों एवं देशवासियों को रंगों का त्यौहार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि यह त्यौहार आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। बड़े शहरों के तर्ज पर विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा नाथनगर के दरियापुर सजौर में पहली बार। संत पॉल्स अकादमी CBSE कुरिकुलम नर्सरी से क्लास 8 तक की पढ़ाई। कैंपस कवर्ड बाय CCTV, स्मार्ट क्लासरूम्स फॉर ई लर्निंग, फुली इक्विप्ड इन्फर्मरी, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस संत पॉल्स अकादमी, दरियापुर सजौर नाथनगर भागलपुर। एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7280082712। एडमिशन इज गोइंग ऑन। जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। GD गोइंका पब्लिक स्कूल CBSE कॉरिकुलम नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई। सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, AC बस विथ GPS एंड CCTV। चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है GD गोइंका पब्लिक स्कूल, G6 बसंतपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय चयन परिषद की ओर से सिपाही भर्ती की परीक्षा रविवार को भागलपुर के 20 केंद्रों पर शांतिपूर्ण संपन्न हुई। दो पालियों में आयोजित परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन की ओर से मुकम्मल व्यवस्था की गई थी। सभी केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा हो, इसको लेकर परीक्षा केंद्र के बाहर परीक्षार्थियों की तलाशी ली गई। वहीं परीक्षा केंद्रों पर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेटों की तैनाती भी की गई थी। सिपाही परीक्षा में नए प्रवेश पत्र के आधार पर ही परीक्षार्थियों को प्रवेश कराया गया। भागलपुर के जिला स्कूल, नवस्थापित जिला स्कूल, राजकीय बालिका उच्च विद्यालय समेत कई केंद्रों पर परीक्षार्थियों की काफी भीड़ देखी गई। होली रंगों का त्यौहार है, हंसी खुशी का पर्व है, लेकिन होली के भी अनेक रूप देखने को मिलते हैं। प्राकृतिक रंगों के स्थान पर रासायनिक रंगों का प्रचलन, लोकगीत की जगह फिल्मी और भोजपुरी गानों का प्रचलन इसके कुछ आधुनिक रूप हैं। लेकिन इससे होली पर गाए बजाए जाने वाले ढोल, मंजीरा, फाग, धमार, चैता और ठुमरी की शान में कमी नहीं आती। अनेक लोग ऐसे हैं जो पारंपरिक संगीत की समझ रखते हैं और पर्यावरण के प्रति सचेत हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए रॉयल स्टार क्लब द्वारा मंगलवार को भागलपुर के गोकुलधाम गार्डन में होली उत्सव का आयोजन किया जाएगा। क्लब की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है।
कई प्रकार की साज सज्जा के साथ गोकुलधाम गार्डन को आकर्षक रूप दिया जा रहा है। 10 मार्च को होने वाले कार्यक्रम को लेकर रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई जानकारी दी गई। रॉयल स्टाइल क्लब के अध्यक्ष उत्तम झुनझुनवाला ने कहा कि यह एक फैमिली प्रोग्राम है जिसमें क्लब के सभी सदस्य मिलकर होली मनाएंगे। अध्यक्ष ने बताया कि हमारी संस्था पारिवारिक और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के उत्सव का आयोजन करने जा रही है। वहीं सचिव नितिन डलानिया ने बताया कि कार्यक्रम में कोलकाता के कलाकारों को बुलाया गया है। संस्था के कोषाध्यक्ष वरुण गोयंका ने बताया कि बच्चों के लिए स्विमिंग पूल की व्यवस्था की गई है। होली उत्सव पर होने वाले कार्यक्रम में सलूजा गोल्ड के MD जोरावर सिंह सलूजा समेत कई अतिथि शिरकत करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान रेवंत सर्राफ, अंकित खेतान, राहुल झुनझुनवाला, मोंटी शर्मा समेत क्लब के कई सदस्य मौजूद थे। 10 मार्च को होली वाले दिन रॉयल स्टार क्लब, जो हमारी संस्था अभी 3 महीने पहले अस्तित्व में आई है, वो एक होली का प्रोग्राम करना चाह रही है, होली मिलन समारोह, जिसका नाम हमने होली उत्सव रखा है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने बाहर से कलकत्ता से कुछ DJ एंकर्स बुलाए हैं, कलाकारों को और भी बुलाया है, और इसके अंतर्गत जो हमारे 50 मेंबर्स हैं उनको इनवाइट किया गया है, और ये प्रोग्राम एक हारमोनियस प्रोग्राम इस माहौल में हम लोग करने का कार्यक्रम। हमारा कार्यक्रम इसलिए अलग है कि इसमें हम लोग सेलेक्टेड 50 लोगों मेंबर ही हैं हमारे, तो ये एकदम लिमिटेड फैमिली प्रोग्राम ही है एक तरह से। और ख़ास बात यह है कि हम लोग इसमें खास इसमें व्यंजन फूड, बाहर से DJ है, म्यूज़िक है, और ड्राई गुलाल से हम लोग खेलेंगे। पानी का इस्तेमाल अभी, क्योंकि अभी कोरोना वायरस का अभी काफ़ी है। बस यही है कि एक अच्छा पहल है, कुछ नया करने की कोशिश है कि बाहर से कलाकार आ रहे हैं, और आगे भी यही प्रयास रहेगा कि और अच्छे अच्छे प्रोग्राम हों क्लब की तरफ से। भागलपुर जिला अग्रवाल सम्मेलन की ओर से होली उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मड़वाड़ी समाज के पुरुष एवं महिलाओं ने एक दूसरों को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। अध्यक्ष कुंज बिहारी झुनझुनवाला ने कहा कि होली का त्यौहार आपसी सद्भाव और सभी प्रकार के गीले शिकवे मिटाने वाला है। इस त्यौहार में सभी एक रंग में रंग जाते हैं। संजय जैन ने कहा कि होली शांति और सद्भाव का संदेश देता है, और इसीलिए सभी को मिलकर इसे मनाना चाहिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अशोक भिवानी वाला ने कहा कि समस्त व्यवसायी वर्ग के साथ पूरे देश में शांति, खुशहाली एवं आपसी प्रेम का माहौल बना रहे, और इस बार की होली सुरक्षित हो, इसीलिए अपनी सुरक्षा का ख्याल भी रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए सभी मानकों का ख्याल रखना चाहिए। इस दौरान महिला दिवस को लेकर महिलाओं ने केक काटा और एक दूसरे को गुलाल लगाकर विश्व महिला दिवस पर होली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। मौके पर लक्ष्मी नारायण डोकानिया, प्रदीप झुनझुनवाला, पवन पोद्दार, रवि प्रकाश बुधिया, सारिका जैन समेत काफी संख्या में पुरुष, महिला एवं बच्चों ने जमकर मस्ती की। भागलपुर जिला अग्रवाल सम्मेलन द्वारा भागलपुर के अग्रवाल समाज में एकता और संगठन को मद्देनजर रखते हुए हम एक सामाजिक रूप से इस त्यौहार को मनाते हैं, जिसमें हमारे समाज के पुरुष, महिला, बच्चे रंग बिरंग के साथ में यहाँ अपना कार्यक्रम देते हैं। एक साथ हम यहाँ पर ठंडई, मालपुआ आदि का लुत्फ़ उठाते हैं, जो हमारी राजस्थानी व्यंजन है। साल में एक बार होली आती है, और इस बार जो होली आई है कुछ डर और दर्द भी साथ में लाई है। ना हाथ मिलाना है, ना गले मिलना है, और ना रंग अबीर से खेलना है, तो थोड़ा बहुत मन में तकलीफ भी है, लेकिन कुछ ऐसी भावना मन में आ गई लोगों को कि इस बार फूलों के साथ होली खेली जा रही है, जो अत्यंत खुशबूदार है, और अपने मन को लजीज व्यंजनों के साथ हम लोग भर रहे हैं। नारी एक शक्ति का रूप है, तो नारी सिर्फ अब घरों में ही नहीं, घरों से बढ़कर भी कुछ करने की क्षमता रखती है। तो मैं सबको यही बोलूँगी कि अपने आप को कभी भी कमज़ोर ना समझें और आगे आए, अपनी हिम्मत, अपनी क्षमता सबके सामने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर भागलपुर के गांधी शांति प्रतिष्ठान में बिहार महिला समाज की वकाट ट्रस्ट की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था की अध्यक्ष यास्मीन बानो ने कहा कि महिला दिवस सभी महिलाओं के लिए खास दिन है, और सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरी के साथ राजनीतिक भागीदारी में 50% आरक्षण का रास्ता साफ करे, जिससे विधानसभा और संसद में पहुंचकर महिलाएं देश के साथ महिलाओं के अधिकार के लिए भी काम कर सके। इस दौरान कई महिलाओं ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला अधिकार की बात कही और बच्चियों के साथ हो रही हिंसा एवं अत्याचार पर रोक लगाने की मांग की। मौके पर रेणु सिंह, प्रकाश चंद्र गुप्ता, राफिया अतहर, उषा सिंह, चांदनी कुमारी एवं आसमा खातून के अलावा कई महिलाएं मौजूद थी।
वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर गांधी शांति प्रतिष्ठान में डाक टिकट संग्रहकर्ता राहुल रोहितास ने महिलाओं की उपलब्धि पर जारी किए गए डाक टिकटों की प्रदर्शनी लगाई, जिसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया और डाक टिकट प्रदर्शनी की सराहना की। राहुल रोहितास ने कहा कि सैकड़ों वर्ष पुराने टिकटों में महिलाओं की उपलब्धियों को दर्शाया गया है। इस मौके पर चांद झुंझुनवाला, संजय कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर डाक विभाग भारत सरकार ने जो हर विभिन्न अवसरों पर जो डाक टिकट जारी किया है, वो आज आप देख सकते हैं दृश्य प्रदर्शित है, जिसमें जो विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं जो काम कर रही हैं, जिस समाज को प्रेरणा दे सकता है, जिस समाज को सीख सकता है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो फ्रीडम फाइटर हो, चाहे वो योगा करती हो, चाहे वो बॉलीवुड में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, ये सब आज एग्जिबिट किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो है तुर्कमेनिस्तान के भी हैं, इसमें जर्मनी, बुल्गेरिया, यूएसएसआर, ये इन सबों ने जो है जो डाक टिकट जारी किया है महिला के सशक्तिकरण पर, उनके एम्पावरमेंट पर, वो यहाँ पर जो है एग्जिबिट किया गया है। होली एवं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बरारी ब्रांच में रविवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में बैंक कर्मियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर एवं मिठाई खिलाकर होली की शुभकामनाएं दी। वहीं ब्रांच मैनेजर दीपक मिश्रा ने महिला सशक्तिकरण की भी बात कही। उन्होंने कहा कि आज हर क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। मौके पर मोना, पवन, शिव मंडल, विशाल, अनामिका, आस्था, दीपा, मोनिका सहित बैंक के अन्य कर्मचारी मौजूद थे। वहीं ततारपुर थाना में भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में शांति समिति के सदस्यों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और शांति एवं आपसी भाईचारे के साथ रंगों का त्यौहार होली मनाने की अपील की। थानाध्यक्ष सुबोध कुमार ने कहा कि होली प्रेम एवं सौहार्द का त्यौहार है, जिसमें सभी लोग मिलजुल कर रहें और पूरे देश को प्रेम का संदेश दें। भागलपुर के आनंद राम ढंडनिया सरस्वती विद्या मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मातृगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मातृगोष्ठी का उद्घाटन विद्यालय प्रबंध समिति की सदस्य अधिवक्ता साधना झा, सीमा शर्मा एवं अन्नपूर्णा कुमारी ने संयुक्त रूप से किया। साधना झा ने कहा कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के कदम से कदम मिलाकर चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकार के लिए जागरूक होना होगा। वहीं अन्नपूर्णा कुमारी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं का स्थान प्रारंभ से ही सर्वोपरि है, लेकिन आज भी महिलाओं को हिंसा एवं प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। प्रधानाचार्य अनंत कुमार सिन्हा ने कहा कि यदि महिला खुश है तो परिवार खुशहाल होगा। समाज एवं राष्ट्र की खुशहाली, संपन्नता और शांति नारी पर ही निर्भर है। साथ ही उन्होंने सबों को होली की शुभकामनाएं दी। गोष्ठी में पंकज उपाध्याय, अनिता सिन्हा, प्रियंका सिंह समेत कई शिक्षक, शिक्षिका, अभिभावक एवं महिलाएं मौजूद थीं। भागलपुर जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के प्रांगण में होली पर्व का आयोजन धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम में सभी बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। स्कूल के छात्र छात्राओं ने रंग एवं गुलाल के साथ होली मनाई और इको फ्रेंडली होली मनाने की बात कही। वहीं शिक्षकों ने बच्चों को परंपरागत तरीके से होली मनाने और समाज में सद्भाव का रंग बिखरने का संदेश दिया। मौके पर स्कूल की निर्देशिका डॉक्टर निहारिका भारती, सचिव मीना तिवारी एवं विद्यालय के प्राचार्य समेत सभी शिक्षक, कर्मचारी और बच्चे मौजूद थे। सनौला के सनोखर बाजार कार्तिक मंडप स्थान के समीप रविवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि पवन कुमार यादव, सनोखर थाना प्रभारी रंजीत कुमार एवं तेलौंदा पंचायत के मुखिया शिव कुमार शाह ने संयुक्त रूप से किया। समारोह की अध्यक्षता एबीवीपी के मंत्री कौशल किशोर मिश्रा ने की। इस दौरान परंपरागत होली गीत की धुन पर सभी अतिथि एवं ग्रामीण झूमते रहे और मटका फोड़कर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत अनुज कुमार दुबे ने सभी को माल्यार्पण कर किया। इस मौके पर आरजे प्रदीप, नयन तिवारी समेत कई लोग मौजूद थे। भागलपुर नाथनगर मनस्कामना चौक स्थित मिक्की दलानिया के आवास पर श्याम दीवाने परिवार की ओर से फागुन द्वादशी को खाटू श्याम बाबा का भव्य श्रृंगार ज्योत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्याम भक्त मौजूद रहे। इस दौरान श्याम के भजनों पर श्रद्धालु झूमते गाते नजर आए। मौके पर कृष्ण झुंझुनवाला, शिव गोयल, आनंद खेतान सहित श्याम दीवाने परिवार के कई सदस्य मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिले भर में कई कार्यक्रम का हुआ आयोजन। SSP आशीष भारती ने बहादुर महिलाओं को किया सम्मानित। दोहरे हत्याकांड मामले में पुलिस की छापेमारी जारी। किशनगंज से बरामद हुआ अधिवक्ता का कार। SSP ने कहा जल्द पकड़े जाएंगे अपराधी। होली को लेकर बाजारों में बढ़ी रौनक। रंग, अबीर और पिचकारी की जमकर हुई खरीददारी।
इंद्रधनुषीय श्याम महोत्सव का हुआ भव्य शुभारंभ। राजस्थान से आए आचार्य ने कहा, राजस्थान की तर्ज पर हुआ भागलपुर में आयोजन। और भागलपुर के सजौर में बिजली विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, चौकीदार सहित आधा दर्जन लोग हुए घायल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।